साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। समन के बावजूद आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे हेमंत सोरेन, बोले आदिवासी सीएम के खिलाफ रची जा रही है साजिश। गोवा पुलिस की व्यवस्था से सीखकर एमपी पुलिस करेगी पर्यटकों की सुरक्षा, नरोत्तम मिश्रा ने दिए निर्देश। दिल्ली के खतरनाक पॉल्यूशन में 32% पराली की हिस्सेदारी, एयर क्वालिटी को लेकर बड़ी चिंता। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप, बोले नोटबंदी ने बेल्लारी जींस उद्योग के 3.5 लाख लोगों को किया बेरोजगार। ओरेवा को बिना टेंडर दिया गया था मोरबी पुल का कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने जंग लगी, केबल तक नहीं बदली, भार बढ़ा तो वे टूट गई। ईवीएम से पार्टी सिंबल हटाने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटिंग तो आखिरी प्रोसेस, वोट किसे देना वोटर्स पहले ही तय कर लेते हैं। चीनी सैनिकों के चाकू डंडे का जवाब, आईटीबीपी के जवान मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, गलवान में जयगन ने इन्हीं हथियारों से किया था हमला। रक्षा मंत्री ने की नौसेना की सराहना, बोली राष्ट्रीय सुरक्षा समृद्धि के लिए सुरक्षित समुद्र जरूरी। बिहार में खतरनाक स्थिति में पहुंचा डेंगू, 6 साल का रिकॉर्ड टूटा, 5 गुना बड़ी प्लेटलेट्स की मांग। दिल्ली में आज फिर शुरू हुई योगा क्लासेस, लोगों ने जमकर की सरकार की तारीफ। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली को बताया गैस चैंबर, केजरीवाल बोले केंद्र सरकार बस केस कराती है, सहयोग तो करती नहीं। छह राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का हो रहा है मतदान, यूपी में भाजपा सपा में मुकाबला, तेलंगाना में क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी का टेस्ट। हिमाचल में गर्जे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बोले हिमाचल में भी राज नहीं रिवाज बदलेगा, हताश हो गया बेरोजगार विपक्ष। राज्यपाल विरोध के नाम पर एकजुट होने की कोशिश में विपक्ष, येचुरी की पहल पर विपक्षी दलों की बैठक। ममता बनर्जी ने भाजपा पर किया वार, बीजेपी को सीए लागू नहीं करने देंगे, सीए को लेकर राजनीति कर रही है भाजपा। आगरा के बड़े होटल बने जिस्म फरोशी का अड्डा, महाराष्ट्र दिल्ली की लड़कियां पहुंचती हैं आगरा, व्हाट्सएप पर हो जाते हैं थे कस्टमर। लेवाना होटल अग्निकांड मामले में सीएस बनाए जांच कमेटी, निलंबित सीएफओ को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हाथरस में सड़क हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत, कार की ट्रक से हुई भिड़ंत, खाटू श्याम जा रहे थे दर्शन करने, एक साथी घायल। शाहजहांपुर में मस्जिद में घुसकर धार्मिक ग्रंथ का अपमान, भीड़ के ने नारे लगाए, भाजपा के पोस्टर जलाए, पुलिस का लाठीचार्ज।
बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन, मिक्सिंग आरएमसी प्लांट स्टोरर कशर तंदूर के साथ स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद। आगरा में मरीज को ला रही एम्बुलेंस, पलटी तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा, टुंडला टोल प्लाजा पर चालक का हुआ था झगड़ा। वृंदावन में होटल में भीषण आग, दो कर्मचारी जिंदा जले बिना फायर विभाग की एनओसी के, चल रहा था होटल। कानपुर में डेंगू से युवक की मौत, दूसरा वेंटिलेटर पर, 24 घंटे में सामने आए 40 नए मरीज, 7 महीने से बच्चे के भी डेंगू संक्रमित मिले। प्रयागराज में शिक्षक बनकर करता था ठगी गिरफ्तार, स्कूल कैंपस में डिलीवरी बॉय से ब्रांडेड सामान लेकर हो जाता था गायब। प्रेमिका के साथ रंग रलिया मनाते पकड़ा गया सिपाही, युवती संग काशीराम कॉलोनी की मकान में था, लोगों ने पकड़कर की धुनाई। लखनऊ के हजरतगंज में लगी आग, प्रिंस मार्केट बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर लगी आग। सोनभद्र में पिकअप एसयूवी की टक्कर, दोनों वाहनों में सवार 9 लोग घायल, सभी की हालत गंभीर, वाराणसी रेफर। हेल्थ एटीएम करेगी सेहत की जांच, प्रयागराज में 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगी मशीन, मरीजों को मिलेगी इलाज में सहूलियत। गंगा मेले को लेकर प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा, गढ़ गंगा मेले में देवोत्थान एकादशी के बाद तेजी से बढ़ेगी भीड़, एटीएस का रहेगा पहरा। फतेहपुर में मां से नाराज युवक ने लगाई फांसी, मेला घूमने के लिए मांग रहा था 500 रुपए, मां ने दिए थे 100 रुपए। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, प्रयागराज में मिनी बैंक शाखा में की थी लूटपाट, अस्पताल में भर्ती। प्रयागराज में निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू, महापौर और वार्डों के आरक्षण के लिए 10 नवंबर तक करना पड़ सकता है इंतजार। बागपत में दबंगों ने मारपीट कर युवक का हाथ थोड़ा, गाली गलौज के विरोध पर किया हमला, चाय की दुकान पर हुआ था विवाद। आगरा की एसओएस टीम पकड़ेगी तेंदुआ, आईटी और एनएसआई से तेंदुआ गायब, अब पनकी में देखा गया, वन विभाग की टीम चला रही है सर्च ऑपरेशन। जालौन में मलिन बस्ती में खसरा का केस, 5 बच्चे पीड़ित मिले, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की जांच, सभी को दी दवा। हनुमान जी की मूर्ति को खंडित करने का मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, मंदिर में चोरी के समय रुपए न मिलने पर तोड़ दी थी मूर्ति। रेलवे के रिटायर अफसर से मांगी रंगदारी, झांसी में बाइक सवार ने घर में फेंका लेटर, परिवार के बदले कैश लेकर लखनऊ बुलाया। बहराइच के गिरिजा बैराज में मृत मिली डॉल्फिन, गले में कैट फिश फंसने के बाद हुई थी मौत, पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा। पीलीभीत में सड़क हादसे में युवक की मौत, गुस्साई परिजनों ने काटा हंगामा, शव हाईवे पर रखकर जाम लगाया। बलिया में खाता धारकों ने किया प्रदर्शन, भुगतान को लेकर थे परेशान, सड़कों किया जाम, पुलिस ने समझाया।
अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने मामूली बात को लेकर पीड़ित के परिजनों के साथ मारपीट की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में दूसरे दिन भी अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, दर्जनों भर के अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। गड्ढा मुक्ति के लिए अधिकारियों की छुट्टी रद्द, लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद का सख्त रुख, 3 शिफ्टों में रात दिन काम करेंगे इंजीनियर। सीतापुर में ड्यूटी के काम से जा रहे थाना प्रभारी की दुर्घटना में मौत, सकरन थाने से झांसी कोर्ट के साक्ष्य के लिए जा रहे थे थाना प्रभारी। गोंडा में भाई ने अपनी बहन पर धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट, मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की FIR। उत्तराखंड के रुड़की में ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट के कारखाने में देर रात लगी भयंकर आग, एक की मौत। उत्तराखंड 2002 में हुए दरोगा भर्ती घोटाले का भी जन्म बाहर निकला, तब विधायकों पर बरसी थी कृपा। उत्तराखंड में चंदन की लकड़ी की तस्करी के मामले में बीट अधिकारी निलंबित, वन दरोगा मुख्यालय अटैच। उत्तराखंड में यमुनोत्री विधायक संजय चौहान ने भी सीएम को लिखा पत्र, विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में करने का अनुरोध। मोरबी हादसे के बाद चर्चा में लक्ष्मण झूला, IIT रुड़की के अनफिट बताने के बाद भी 3 साल तक हुई थी आवाजाही। उत्तराखंड में स्पाइस जेट की फ्लाइट अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित, अन्य एयरलाइंस ने समय में किया बदलाव। उत्तराखंड में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा, उत्तराखंड के हर जिले में खुलेंगे दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र। उत्तराखंड के देहरादून में पैसे की ललक में रैपर बना मोबाइल चोर, मुखबिर की सूचना पर चढ़ा पुलिस के हत्थे। उत्तराखंड के किक्षा में बेखौफ चोरों ने खंगाला व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार बजाज का घर, पुलिस खंगाल रही है CCTV। खत्म होगा बाघ तलाशने का उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभियान, कॉर्पोरेट पार्क लौटेंगे हाथी। उत्तराखंड के नैनीताल में सिंचाई नहर में मिला 7 माह बच्चे की लाश, शव की हालत देख कांप गई हर किसी की रूह। हल्द्वानी के गौला में खनन माफिया की फिर बढ़ने लगी दबंगई, वन दरोगा व कर्मियों पर किया हमला। हल्द्वानी में देर रात कुमार ज्वेलर स्वामी के बेटे पर फायरिंग, लॉरेंस विश्नोई गैंग से मिली थी धमकी। उत्तराखंड में 15 साल बाद बदले कानून, 4 घंटे से ज्यादा बिजली गुल होने पर उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा। उत्तराखंड में महापद में सेना के 2 हेलीकॉप्टर ने किया रेस्क्यू, 22 दिन बाद निकाला बर्फ में दबा हुआ ट्रैकर का शव। परमाणु बम से लैस 5 महाशक्तियां युद्ध की कगार पर, महाविनाशक होंगे परमाणु, रूस ने दी चेतावनी।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राहत, 7 साल पुराने इस मामले में हुआ निपटारा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, अमेरिकी लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, राजनीतिक हिंसा का हम डटकर सामना करेंगे। सत्तर बच्चों की मौत के मामले में गांबिया सरकार का यू टर्न का, भारतीय कप सिरप से बच्चों की मौत की पुष्टि नहीं। रूस से दुश्मनी मोल ले रहा है पाकिस्तान, पुतिन के करीबी बोले यूक्रेन को एटमी हथियार बनाने में मदद कर रहा है पाकिस्तान। चिंतन को पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों की चिंता, पाक पीएम शहबाज से बोले हमारे लोगों की सुरक्षा दें। रूस को हथियार भेज रहा है साउथ कोरिया, यूएस का आरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के रास्ते पहुंचाया जा रहा है गोला बारूद। नेतन्याहू जीत की ओर, आतंक पर लगाम के लिए फिलिस्तीन सीमा ब्लॉक करेंगे, भारत के साथ हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उत्तर कोरिया ने 24 घंटे के अंदर दागी ब्लास्टिक मिसाइल, जापान में दहशत लोग घरों के अंदर। यूएस के विदेश विभाग ने दी फिनलैंड को मिसाइलों की संभावित बिक्री की मंजूरी, $535 मिलियन का है सौदा। महंगाई पर 6 साल में पहली बार होगा विशेष बैठक, आरबीआई सरकार को बताएगी कीमतें बढ़ने की वजह। सोना चांदी में बड़ी गिरावट, 50,000 के करीब आया सोना चांदी, भी 1,000 रुपए सस्ती हुई। लॉन्च हुआ सबसे सस्ता 5G फोन लावा ब्लीच, 5G में मिलेगा 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। डिजिटल करेंसी पर आरबीआई गवर्नर का बयान, ई रूपी लॉन्च देश के लिए ऐतिहासिक क्षण, आम लोगों के लिए चल जाएगी। टाटा की अब एयर एशिया इंडिया में 100% हिस्सेदारी, एयर एशिया ने एयर इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया साइन। कच्चे तेल पर विंडवॉल टैक्स घटा, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर अब ज्यादा टैक्स। फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद लुढ़का बाजार, सेंसेक्स 400 अंक टूटा, निफ्टी 1050 के नीचे। सेबी ने सहारा निवेशकों के रिफंड की, 138 करोड़ रुपए की राशि 31 मार्च तक मिले थे। माल ढुलाई से रेलवे की भरी झोली, इस साल अक्टूबर में 92,345 करोड़ की हुई कमाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा अनिश्चितता के बीच निवेशकों के लिए आकर्षक है घरेलू अर्थव्यवस्था, 7% रहेगी विकास दर। हसन महमूद ने रोहित का छोड़ा कैच, अगले ही ओवर में उनका विकेट लेकर हिसाब बराबर कर दिया। बांग्लादेश के नरूल ने कोहली पर लगाए फर्जी फील्डिंग का आरोप, आरोप में भड़के हर्षा भोगले बोले ऐसा करते हुए एम्पायर ने नहीं देखा क्या।
रोहित शर्मा का बड़ा बयान, बोले डेथ ओवरों के लिए कारगर साबित हो रहे हर्षदीप सिंह। आईपीएल 2023 के लिए पंजाब किंग्स में होगा बड़ा बदलाव, स्टार बल्लेबाजी शिखर धवन को मिलेगी कप्तानी। आठ साल बाद राउंड ऑफ 16 में पहुंचे एसी मिलान और लीपजिग ने अपने अपने मुकाबले जीतकर राउंड में बनाई जगह। कार्तिक ने लीटन दास को दो मौके दिए, बांग्लादेशी ओपनर ने टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई, 22 बॉल में ही लगा दी 50। कोहली के सामने शांत हुए शौकीम, नो बॉल के फैसले पर भड़के बांग्लादेश के कप्तान, फिर शिकवा बोलकर विराट के गले लग गए। राहुल का सिक्सर और हैरान कोहली, शरीफुल की तेज जाकर राहुल क्रीज की गहराई में पहुंचे और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर। अफगानिस्तान श्रीलंका मैच में चोटिल हुए राशिद, बाउंड्री बचाने की कोशिश में घुटना जख्मी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना तय नहीं। नीदरलैंड ने बिगाड़ा जिम्बाब्वे का खेल, 5 विकेट से जीता मुकाबला, ओडॉड और कूपर की मैच विनिंग पार्टनरशिप। मरीन ड्राइव पर प्रियंका चोपड़ा की मस्ती, इंडिया आते ही अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंची देसी गर्ल, कहा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सिद्धार्थ क्यारा चंडीगढ़ में लेंगे 7 फेरे, द ओबराय सुखवेला रिसोर्ट में हो सकती है दोनों की शादी। अक्षय कुमार करने वाले मराठी डेब्यू, महेश मांजरेकर की फिल्म में निभाएंगे शिवाजी की भूमिका। पठान के लिए बॉडी बनाने में सलमान खान ने शाहरुख को दिए थे टिप्स, टीजर की हो रही जमकर तारीफ। एक्ट्रेस एंड्रीला शर्मा के स्ट्रोक के बाद बिगड़ी तबियत, ब्रेन में हुई ब्लड क्लॉटिंग, डॉक्टर्स ने रखा वेंटिलेटर पर। शाहरुख खान ने फैंस के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, मुंबई में ऑर्गेनाइज किया इवेंट, फैंस की मौजूदगी में काटा केक। एक्सीडेंट के बाद रंभा ने दिया बेटी का हेल्थ अपडेट, बोली मेरी बेटी शासा एकदम ठीक है, हम सब घर वापस आ गए हैं। केबीसी 14 में पहुंचे बिग बी के दोस्त, फिल्म ऊंचाई प्रमोशन करने पहुंचे स्टार्स, अमिताभ बच्चन की मालिश करते दिखे अनुपम खेर। ऋषभ शेट्टी ने किया पुनीत राजकुमार को याद, बोले कांतारा में ऑफर किया था शिवा का रोल, बिजी शेड्यूल के चलते कर दिया था इनकार। अनन्या पांडे ने रिक्रिएट किया K3G का सीन, करीना कपूर की कॉपी करती दिखी एक्ट्रेस, वीडियो देख बेबी हुई इंप्रेस। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।